Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rural College, University of Allahabad. And we are talking about nowadays theories of motivation, in which today I am going to discuss the last theory under the main heading of content theories of motivation, that is McClelland's theory of motivation. And the lecture will be useful for various examinations and will be in the bilingual mode. And do subscribe my channel too. Start karte hain. McClelland's theory of motivation. सबसे पहले एक quick review theories of motivation का. हमने पढ़ा कि motivation के जो सिद्धांत हैं, जो भी प्रेरणा के सिद्धांत हैं, उनको दो मुख्य वर्गों में बांट सकते हैं. Content या need theories और process theories. Content theories मतलब need theory का मतलब वो कि वो इस पे emphasis किया गया है कि कौन सी वो आवश्यकताएं हैं जो motivate करती हैं. What motivates a person to do a certain thing. और प्रोसेस थेरीज मोटिवेशन की प्रोसेस के बारे में बात करती है. तो कंटेंट थेरीज में हमने पढ़ा कि मैस्लो थेरी पढ़नी थी हमको, एल्डरफर पढ़नी थी, हर्जबर्ग पढ़नी थी और मैक्लेलैंड पढ़नी थी. हमने मैस्लो की हायरार्की थेरी पढ़ ली, हमने एल्डरफर की ईआरजी थेरी पढ़ ली जो कि क्या थी, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ, और जो कुछ नहीं था मतलब मेनली वो क्या था, मैस्लो का ही कंडेंसेशन था. फिर हमने हर्जबर्ग का दो द्विकारक सिद्धांत पढ़ा जो कि क्या था, मोटिवेटर और हाइजीन फैक्टर. वो कह रहे हैं कि मोटिवेटर फैक्टर हमको सेटिस्फाई करते हैं और हाइजीन फैक्टर जरूरी है डिससेटिस्फेक्शन रोकने के लिए, और जो सेटिस्फायर और डिससेटिस्फायर है एक पोल पे नहीं है. ये सबसे खास बात है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम सेटिस्फाई नहीं है तो डिससेटिस्फाइड होंगे या डिससेटिस्फाइड नहीं है तो सेटिस्फाइड होंगे. दोनों अलग अलग कारक हैं जो इनको निर्धारित करते हैं. अब हम बात करने जा रहे हैं मैक्लेलैंड थ्योरी की. मैक्लेलैंड ने क्या कहा, क्या इनका सिद्धांत है. डेविड मैक्लेलैंड बिल्ट ऑन हिज वर्क इन हिज 1961 बुक द अचीविंग सोसाइटी. इन्होंने किताब लिखी दी अचीविंग सोसाइटी, और इसमें ये बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की. ही आइडेंटिफाइड थ्री मोटिवेटर्स, ये तीन हमको अभिप्रेरकों की बात करते हैं, दैट ही बिलीव वी ऑल हैव. वो कहते हैं वो हम सब में है. कौन कौन सी, अ नीड फॉर अचीवमेंट, यानी उपलब्धि के लिए ड्राइव हमारे अंदर होती है, नीड होती है, अचीव करना चाहते हैं हम जीवन में. अ नीड फॉर एफिलिएशन, किसी ग्रुप से हम एफिलिएट होना चाहते हैं, इंटर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं ग्रुप्स के बीच में, लोगों के बीच में. एंड अ नीड फॉर पावर, या हमारे अंदर शक्ति की भूख होती है, शक्ति की नीड होती है कि हम किसी के ऊपर कंट्रोल कर सकें, इन्फ्लुएंस कर सकें अपना. तो ये तीन आवश्यकताएं हैं, इसीलिए इसको थ्री फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं. कभी कभी इसको हम लर्नेड नीड्स थ्योरी भी कहते हैं. नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर. People will have different characteristics depending on their dominant motivator. यानी कि लोगों के पास विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं, विभिन्न प्रकार की विशेषताएं होती हैं. यही जो motivator है ये फर्क डिपेंड करता है कि कौन सा motivator हमारे में dominant है. हम achievement, need for achievement हमारे में dominant है, या need for affiliation है, या need for power है. This theory allows one to identify people's motivating drives. अगर हम इस थ्योरी को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो इंडिविजुअल है वो कौन सा उसके अंदर डोमिनेटिंग मोटिवेटिंग ड्राइव है, तो उसी हिसाब से हम उसको टास्क दें, उसी हिसाब से उसके इर्द गिर्द व्यवस्थाएं रखें, तो वो बढ़िया काम करेगा. क्यों? क्योंकि वो मोटिवेटेड फील करेगा. दिस कैन देन हेल्प वन टू गिव प्रेज एंड फीडबैक इफेक्टिवली. अगर हमको ये पता चल जाएगा तो हम उसकी प्रशंसा या उसका पुनर्बलन उसको इफेक्टिवली दे पाएंगे. असाइन देम सूटेबल टास्क, उनको उचित टास्क दे पाएंगे जिसके लिए कि वो मोटिवेटेड हैं, एंड कीप देम मोटिवेटेड, और उनको मोटिवेटेड रख पाएंगे. दीज मोटिवेटर्स आर नॉट इनहेरेंट. खास बात ये कह रहे हैं कि हमको ये आनुवंशिक नहीं है, ये हमको मिले नहीं है हमेशा से बर्थ से. वी डेवलप देम थ्रू अवर कल्चर एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस. इसको हमने विकसित किया है अपने संस्कृति से, अपने जीवन के अनुभवों से. अचीवर्स लाइक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अचीव गोल्स. जो अचीवर्स होते हैं जिनमें नीड फॉर अचीवमेंट हावी होता है, वो क्या करना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, गोल को अचीव करना चाहते हैं. दोज विद अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर एफिलिएशन, जिनके पास एफिलिएशन की नीड स्ट्रॉन्ग है, वो क्या चाहेंगे, डोंट लाइक टू स्टैंड आउट और टेक अ रिस्क. उनको रिस्क लेने में नहीं आनंद आएगा, उनको क्या आएगा, एंड दे वैल्यू रिलेशनशिप्स अबव एनीथिंग एल्स. उनके लिए रिलेशनशिप सबसे ज्यादा जरूरी है. एंड दोज विद अ स्ट्रॉन्ग पावर मोटिवेटर लाइक टू कंट्रोल अदर्स एंड बी इन चार्ज. और जिनके जिनके में पावर मोटिवेटर डोमिनेंट है, वो क्या चाहेंगे कि दूसरों पर नियंत्रण रखें और चार्ज उनके पास रहे. ओके, फिर यही है मैक्लेलैंड्स नीड्स थ्योरी. देखिए, पावर का नीड फॉर पावर हो सकता है, नीड फॉर एफिलिएशन हो सकता है, नीड फॉर अचीवमेंट हो सकता है. अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ये कह रहे हैं
स्टडी द वे इन विच पीपल सेटिस्फाई देयर नीड्स, इन्होंने वो अध्ययन किया कि लोग किस तरीके से अपनी नीड्स सेटिस्फाई करते हैं, व्हाट मोटिवेट्स पीपल एंड व्हाट मोटिवेटर्स आर लर्नड, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को मोटिवेट करती हैं और ये मोटिवेटर कैसे सीखे जाते हैं। इसीलिए चूंकि ये लर्नड है, ये इनहेरेंट नहीं है, इसीलिए इस थ्योरी को लर्नड नीड्स थ्योरी भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डेविड मैक्लेलैंड, पीपल हैव मोटिवेटिंग ड्राइव्स दैट आर डायरेक्टली लिंक्ड टू नीड्स रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर, कल्चर और रेस। कह रहे हैं कि कोई भी उम्र हो सकती है आपकी, कोई भी जेंडर हो सकता है, किसी भी कल्चर से आप संबद्ध हो सकते हैं, कोई भी आपकी रेस हो सकती है, लेकिन यही तीन आपकी नीड्स होती हैं जो आपको मोटिवेट करती है, अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर के लिए नीड। ओके, फिर मोटिवेटर्स, अकॉर्डिंग टू मैक्लेलैंड दीज मोटिवेटर्स आर लर्न, हो गया, विच इज वाई दिस थ्योरी इज समटाइम्स कॉल्ड द लर्नड नीड्स थ्योरी, ये भी हो गया। रिगार्डलेस ऑफ अवर जेंडर, कल्चर और एज, वी ऑल हैव थ्री मोटिवेटिंग ड्राइव्स, ये भी हो गया, एंड वन ऑफ दीज विल बी अवर डोमिनेंट मोटिवेटिंग ड्राइवर, है ना। यानी कि कोई भी हमारी जेंडर, कल्चर, एज होगी, जेंडर, कल्चर, एज हो गया ना, हाँ तीनों, रेस कुछ भी होगा, यही तीन ड्राइवर हैं जो हमको मोटिवेट करेंगे, और डिपेंड करता है कौन सा डोमिनेंट है। तीनों सब में होते हैं, लेकिन किसी में कोई ज्यादा होता है, कोई ज्यादा होता है, कोई ज्यादा होता है। This dominant motivator is largely dependent on our culture and life experiences. हमारा mainly हमारा culture और हमारे जीवन के अनुभव ये निर्धारित करते हैं कि हमें हमें कौन सा motivator जो है वो dominant होगा। These characteristics are as follows. जैसे अगर need for achievement हमारे में हावी है तो हम कैसे होंगे? Has a strong need to set and accomplish challenging goals. तो हम क्या चाहेंगे कि हम, हमारे अंदर ये बहुत need होगी, drive होगी कि हम चैलेंजिंग गोल्स पहले बनाएं और फिर उसको अकॉम्प्लिश करें, उसको पूरा करें, क्योंकि हमें अचीवमेंट की नीड है। टेक कैलकुलेटेड रिस्क टू अकॉम्प्लिश देयर गोल्स, देखिए अनकैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। हम कैलकुलेट करें कि अगर हम फेल भी हो गए तो बहुत नुकसान नहीं होगा, ताकि हम अपने गोल को पा सकें। लाइक्स टू रिसीव रेगुलर फीडबैक ऑन देयर प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट, उनको अच्छा लगता है उनकी उपलब्धि पर, उनकी उन्नति पर उनको रेगुलर फीडबैक मिलता है तो, एंड ऑफन लाइक्स टू वर्क अलोन, और अक्सर अकेले में काम करना पसंद करते हैं। अब इसके उल्टा अगर हम एफिलिएशन पे जाएंगे तो उनको क्या करना है, वॉन्ट्स टू बिलोंग टू द ग्रुप, उनको ग्रुप के संग संबद्धता अच्छी लगती है, वॉन्ट्स टू बी लाइक एंड विल ऑफन गो अलोंग विद व्हाटएवर द रेस्ट ऑफ द ग्रुप वॉन्ट्स टू डू, उनको जो ग्रुप करता है वही करने में अच्छा लगता है। फेवर्स कोलेबोरेशन ओवर कॉम्पिटिशन, इनको कोलेबोरेशन पसंद है कॉम्पिटिशन की बजाय, एंड डज नॉट लाइक हाई रिस्क और अनसर्टेनिटी, इनको हाई रिस्क नहीं पसंद है। किनको? जिनके अंदर नीड फॉर एफिलिएशन डोमिनेंट मोटिवेटर की तरह काम कर रहा है। फिर नीड फॉर पावर, जिनके में पावर की नीड है वो क्या चाहेंगे, वॉन्ट्स टू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, हम चाहेंगे कि हम दूसरों पर अपना इन्फ्लुएंस स्थापित करें, उनको नियंत्रित करें। लाइक्स टू विन आर्ग्यूमेंट्स, अगर कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है तो हम चाहेंगे कि हम जीत जाएं अपने तर्कों से। एंजॉयस कॉम्पिटिशन एंड विनिंग, उनको प्रतिस्पर्धा पसंद होगी, जीतना पसंद होगा। एंजॉय स्टेटस एंड रिकॉग्निशन, उनके पास हाई स्टेटस और पहचान हो तो वो खुश होते हैं। फिर पावर में भी दो तरीके की हो सकती है पावर, इंस्टीट्यूशनल पावर और पर्सनल पावर, यही लिखा है। Those with a strong power motivator are often divided into two groups, personal and institutional. People with a personal power drive want to control others, while people with an institutional power drive like to organize the efforts of a team to further the company's goals. यानी कि हमारे अंदर need for power है, लेकिन अगर हमारे अंदर personal power ज्यादा dominant है तो हम क्या चाहेंगे कि दूसरे पर हम अपना प्रभुत्व स्थापित कर दें। लेकिन अगर हमारे अंदर institutional power है तो हम चाहेंगे कि हम एक टीम की तरह पूरा कंपनी को लीड करें और उसके हम सर्वोसर्वा हों। As you can probably imagine, those with an institutional power need are usually more desirable as team members. तो इस तरीके के लोग जिनमें institutional power की need होगी, आप उनको बढ़िया अपना manager बना सकते हैं। Then ये है, अगर हम इसको in totality देखना चाहें तो ये है Maclelland's human motivation theory, identified three motivators, all three are present in each person, but one motivator will डोमिनेट, है ना। तीनों सब में होती है लेकिन कोई एक डोमिनेट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि अचीवमेंट वाला एफिलिएशन नहीं चाहता है और पावर बिल्कुल नहीं चाहता है, लेकिन अचीवमेंट ज्यादा चाहता है। एफिलिएशन वाला भी पावर और अचीवमेंट भी चाहता है, पर उसके लिए एफिलिएशन सबसे ज्यादा जरूरी है। यही बात पावर के साथ भी है। People will have different characteristics depending on their dominant motivator. जो dominant हमारे में होगा उसी हिसाब से काम करना चाहेंगे। Achievement वाले को drive to succeed है, उसको सफल होने की आवश्यकता है। इसके पास desire for interpersonal relationship है, हमारे लिए relationship ज़्यादा important है। And power के लिए need to influence the behaviors of others. ये चाहते हैं कि दूसरे के behavior को अपने हिसाब से हम influence कर सकें। How to use this theory? पढ़ लिया हमने, अब इसको use कैसे करें? पहले तो हम आइडेंटिफाई ड्राइवर्स, हमको ये पता चले कि सामने वाले के पास कौन सा पावर है, कौन सा मोटिवेटिंग ड्राइवर है जो डोमिनेंट के रूप में है, और फिर हम उसके हिसाब से अपनी स्ट्रक्चर को अप्रोच करेंगे। सिर्फ यही है, एग्जामिन योर टीम टू डिटरमाइन विच ऑफ द थ्री मोटिवेटर्स इज डोमिनेंट फॉर ईच पर्सन। हमको ये तय करना है बस कि आप में एफिलिएशन है, कि अचीवमेंट है, कि पावर की नीड है, और अगर हमको पता चल जाएगा फिर हम उसी हिसाब से आपको टास्क देंगे। यू कैन प्रोबेबली आइडेंटिफाई ड्राइवर्स बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी एंड पास्ट एक्शंस। हम व्यक्ति की पर्सनैलिटी या उसके भूतपूर्व कामों को देख के भी ये तय कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा ड्राइवर है।
For instance, perhaps one of your team members always takes charge of the group when you assign a project. They speak up in meetings to persuade people and delegate responsibilities to others to meet the goals of the group. They like to be in control of the final deliverables. The team member is likely primarily driven by power. यानी कि अगर हम मीटिंग करते तो हम देखते हैं कोई एक व्यक्ति है जो हमेशा चार्ज ले लेता है, सबको रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, आगे आगे करता है, सब इनिशिएटिव लेता है. इसका मतलब उसके पास कौन सी नीड है? पावर की नीड है. यू माइट हैव अनदर टीम मेंबर हु नेवर स्पीक्स ड्यूरिंग मीटिंग्स. दे ऑलवेज एग्री विद द ग्रुप, वर्क हार्ड टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट व्हेन इट अकर्स, एंड विजिबली बिकम अनकंफर्टेबल व्हेन यू टॉक अबाउट डूइंग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट्स. दिस पर्सन इज लाइकली टू हैव अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर एफिलिएशन. इसी तरह से अचीवमेंट के लिए हम देखते हैं कि मीटिंग होती है तो कोई व्यक्ति है हमेशा चुप है, और अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है तो उसको हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करता है, रिस्क या बात करने तो वो परेशान हो जाता है. इसका मतलब उसके पास किसकी नीड है? एफिलिएशन की नीड है. इसी तरह से हम तय कर सकते हैं कि आपके पास कौन सी नीड है जो डोमिनेंट मोटिवेटर की तरह काम कर रही है. फिर हमें पता चल गया, अब क्या करेंगे? बेस्ड ऑन द ड्राइविंग मोटिवेटर्स ऑफ योर वर्कर्स, स्ट्रक्चर योर लीडरशिप स्टाइल एंड प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स अराउंड ईच इंडिविजुअल टीम मेंबर. जिसके पास एफिलिएशन की नीड है उसको वैसा टास्क दीजिए, जिसके पास अचीवमेंट की नीड है उसको वैसा टास्क दीजिए, और जिसके पास पावर की नीड है उसको आप टीम का लीडर बना दीजिए. दिस विल हेल्प इंश्योर दैट दे ऑल स्टे एंगेज्ड मोटिवेटेड एंड हैप्पी विद द वर्क दे आर डूइंग. इससे क्या होगा कि हर कोई अपने काम के प्रति अभिप्रेरित रहेगा और उसको अच्छे से करना चाहेगा, खुश रहेगा. और अगर एफिलिएशन वाले को पावर दे दिया, पावर वाले को हमने अचीवमेंट दे दिया, तो नोबडी विल बी एंगेज्ड मोटिवेटेड एंड एवरीबॉडी विल बी अनहैप्पी. तो प्रोडक्शन अपने आप गिर जाएगा. समराइज कैसे कर सकते हैं हम? वही बातें. मैकलेलैंड ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी स्टेट्स दैट एवरी पर्सन हैज वन ऑफ द थ्री मेन ड्राइविंग मोटिवेटर्स. सबके पास तीनों होते हैं, अचीवमेंट एफिलिएशन और पावर की नीड. बट दीज मोटिवेटर्स आर नॉट इनहेरेंट. हमको जन्म से नहीं मिला है, हमने इसको कल्चर और लाइफ एक्सपीरियंसेस से लिया है. अचीवर्स जो है उनको क्या पसंद है? प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, गोल को पाना पसंद है. दोज विद अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर एफिलिएशन डोंट लाइक टू स्टैंड आउट और टेक अ रिस्क एंड दे वैल्यू रिलेशनशिप्स अबव एनीथिंग एल्स. एंड दोज विद अ स्ट्रॉन्ग पावर मोटिवेटर लाइक टू कंट्रोल अदर्स एंड बी इन चार्ज. ये बातें पहले भी हो चुकी हैं. मैकलेलैंड थ्योरी ऑफ थ्री नीड्स आउटलाइंस द थ्री डिजायर्स दैट एन इंडिविजुअल कुड पॉसिबली हैव. यानी कि इन्होंने हमको कोशिश करके अध्ययन से बताया कि ये तीन ड्राइव्स हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति के पास. वन ट्रेट इज usually more dominant but others are presented in an individual as well. ये कह रहे हैं कि कोई एक प्रभावी होगा पर बाकी भी रहेंगे. Okay? तो अच्छी थ्योरी है, आप इसके संग कोरिलेट कर सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसका एप्लीकेशन भी देख सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे. तो फाइनली आई हैव कंप्लीटेड ऑल द थ्योरीज अंडर द मेन हेडिंग ऑफ कॉग्निटिव कंटेंट और नीड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन. दैट इज मैस्लोस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, एल्डरफर्स थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, हर्ज़बर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, एंड नाउ आई हैव कवर्ड मैकलेलैंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. नाउ आई विल प्रोसीड टुवर्ड्स प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन. ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. थैंक यू ऑल.